तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि जेएमएम सुप्रीमो सिब्बू सोरेन के खिलाफ लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई। और ये है यहाँ पर जेएमएम सुप्रीमो और यहाँ पर दिसोंगरू सिब्बू सोरेन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है मामला। लोकपाल मामले में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो सह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिब्बू सोरेन को आज यानी कि बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में यहाँ पर सुनवाई हुई। आगे बोला जा रहा है कि इस मामले में यहाँ पर सोलिसिटर जनरल की व्यस्तता की वजह से सुनवाई टल गई। मामले में यहाँ पर अब अगली सुनवाई जो है वो 17 अगस्त को होगी। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में यहाँ पर जेएमएम सुप्रीमो सिब्बू सोरेन के खिलाफ कोर्ट ने यहाँ पर लोकपाल के सामने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिस पर यहाँ पर अदालत ने आगामी 17 अगस्त तक विस्तार कर दिया है। कपिल सिब्बल रख रहे हैं यहाँ पर सिब्बू सोरेन की ओर से पक्ष। यहाँ पर बता दें कि मामले में अधिकार क्षेत्र के आधार पर यहाँ पर सिब्बू सोरेन ने सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को यहाँ पर चुनौती दी है। मामले में यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। यहाँ पर मामले में सुनवाई के दौरान लोकपाल की तरफ से सोलिसिटर यहाँ पर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे हैं, जबकि देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल सिब्बू सोरेन की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो खबर है वह सामने निकल कर आ रही है। जोहार।